सोमवार रात को साउथ सुपरस्टार धनुष और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने अलग होने की घोषणा की। इस खबर से पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड भी सकते में आ गया। दोनों को आदर्श कपल माना जाता था। धनुष साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सफलतम सितारे हैं, ऐश्वर्या फिल्म डायरेक्टर है। दोनों का तलाक क्यों हुआ? पूरी इंडस्ट्री के साथ ही फैंस के दिलों में भी ये सवाल खड़ा हो गया। साउथ सिनेमा से जुड़े कुछ लोगों से इस रिश्ते के टूटने की अंदर की बातें जानने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्तों में 2019 से ही कुछ ठीक नहीं था। धनुष ऐश्वर्या का रिश्ता बाहरी दुनिया के लिए कुछ अलग था, लेकिन बड़े दरवाजे के पीछे अलगाव की शुरुआत हो चुकी थी। इसके दो मुख्य कारण माने जा रहे हैं। पहला, धनुष का अपनी को एक्ट्रेस के साथ रिश्तों को लेकर खबरों में बने रहना, और दूसरा, ऐश्वर्या का बतौर फिल्म डायरेक्टर करियर नहीं बन पाना। रजनीकांत की बेटी होने के बाद भी ऐश्वर्या को साउथ इंडस्ट्री में उतना काम नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए। पहली फिल्म, तीन फिल्मों के बाद उनके पास कोई काम नहीं था। इसी फिल्म में धनुष ने संगीतकार अनिरुद्ध की धुन पर कोलावेरी डी गाना गाया था, जो फिल्म रिलीज होने के पहले ही चार्टबस्टर साबित हुआ। इस फिल्म में श्रुति हासन ने धनुष के अपोजिट काम किया था। बतौर डायरेक्टर अपने डूबते करियर को बचाने के लिए ऐश्वर्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बजाय बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं। इस कारण उनका भी ज्यादातर समय मुंबई में गुजर रहा है। ऐसे में दोनों का साथ रहना भी मुश्किल हो रहा था। मुंबई में कई सफल महिला डायरेक्टर्स हैं और बॉलीवुड में मेल फीमेल वाला भेदभाव भी कम है, इसलिए ऐश्वर्या अपना करियर यहाँ सेटल करना चाह रही हैं। दोनों के रिश्तों में दूरी का एक कारण ये भी है कि धनुष एक के बाद एक फिल्में साइन कर रहे हैं। उनका ज्यादातर समय शूटिंग में और आउटडोर गुजरता है। रिश्ते और घर को वो ज्यादा समय नहीं दे पा रहे। साउथ इंडस्ट्री के अलावा उन्हें बॉलीवुड की फिल्में भी काफी मिल रही हैं। हाल ही में अक्षय कुमार सारा अली खान के साथ आई उनकी फिल्म अतरंगी रे को भी तारीफें मिली हैं और उनके काम को भी सराहा गया है। अतरंगी रे के पहले धनुष बॉलीवुड की राजना और समिताभ में भी काम कर चुके हैं। उनकी छवि पैन इंडिया स्टार की बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।